मुझे मेरी औलाद से दूर रख। बस अब बस, आज मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी जिंदगी से बेदखल करना। मुझ पर इल्जाम लगा, मैं तब तुमसे नहीं लड़ी तो अब क्यों लड़ूंगी? नहीं नुमान, ये सजा मुझे किसी का दिल दुखाने से नहीं मिली। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, उनको धोखा दिया था, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। बेलगाम ड्रामे की स्टोरी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अब शानी उसे लेने के लिए उनके घर तक आन पहुंचेगा, लेकिन जब आसिम साहब को पता चलेगा कि रमशा के साथ उन लोगों ने क्या सलूक किया है, तो कभी रमशा को उनके साथ नहीं भेजेगा, जबकि रमशा और उसकी माँ तो पहले ही उनके खिलाफ है, ताकि रमशा उस घर से चली जाए। लेकिन अब अफनान नहीं चाहता कि रमशा उनके से दूर हो, जबकि अफनान तो रमशा की हिफाजत करना चाहता है। वो जान चुका है कि उसके दोस्त के इरादे क्या हैं और शानी के साथ उसने क्या सलूक किया है। अब रमशा अफनान से निकाह कर लेगी, जबकि आसिम भी यही चाहता है। आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि रमशा और अफनान को एक साथ दिखाया जाए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो प्रोडक्शन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे।